इधर से जाना पड़ेगा हमें, इधर से अंदर को, ये देखो ये, वाह, हैप्पी बर्थडे मोहन। थैंक यू। आज तो पार्टी कराएगा फिर। बिल्कुल आएगा दबा के। ये देखिए दोस्तों, पहाड़ी फ्रिज, हमने स्प्राइट को डाल रखा है इसमें ठंडा करने के लिए। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आशा करते हैं स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत भी हो गई है सुबह के 8:30 बजे से, बढ़िया धूप सेकते हुए। तो आज है पवन भाई का बर्थडे और हम जाएंगे आज बर्थडे सेलिब्रेट करने जंगल में, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर जंगल में बनाते हैं बर्थडे। तो अभी नाश्ता वास्ता करते हैं, उसके बाद निकलते हैं बर्थडे के लिए। पवन भैया भी आ गया, बड़े बेसब्री से इंतजार था हमारा पवन का। और ये देखो बर्थडे भाई, हैप्पी बर्थडे पवन। थैंक यू। आज तो पार्टी कराएगा फिर। बिल्कुल आएगा दबा के। तो आज है पवन का बर्थडे, हम लोग जाएंगे जंगल में बर्थडे बनाने पवन का। तो पवन भी पहुंच गया, हम भी फटाक से तैयार होते हैं फिर निकलते हैं। तो बर्थडे के लिए हो गए तैयार, गड्डी में बैठ गए हैं। पवन भाई की पार्टी लेनी है फुल आज, तो चलते हैं आगे की तरफ। पहले कहाँ जाएंगे पवन? पहले जाएंगे सरवड़ा सामान लेने, फिर उसके बाद स्पॉट में। तो चलते हैं दोस्तों पवन का बर्थडे सेलिब्रेट करने। तो पहुंच चुके हैं स्पॉट पे, स्पॉट ही बोलते हैं ना पवन। अभी निकाल रहे डिक्की से सामान, पवन के दोस्त लोग भी आए हैं, एक और भैया आ गए हमारे। तो हमें ऊपर जाना है, उधर ऊपर बनाएंगे। तो अभी निकाल लें सामान, डिक्ची। रज्जू कहाँ है? अच्छा, तो अभी चल रहे हैं बर्तन वर्तन सब सामान लेके जाते हैं और लकड़ी वकड़ी तोड़ते हैं, चूल्हे वूल्हे लगाते हैं बढ़िया करके। तो जा रहे हैं अभी अंधेरी गुफा में, जहाँ पे हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। पहाड़ का मजा बर्थडे सेलिब्रेट करने का जंगल में ही मज़ा आता है। तो अभी देखो रास्ता दिखाता हूँ आपको मैं। ओए कहाँ से गए रहे तुम लोग? पूरी ये देखो रास्ता, इधर से जाना पड़ेगा हमें, इधर से अंदर को, ये देखो ये, वाह, अरे गजब, अरे मज़ा आ गया। क्या जगह ढूंढी है भाई ने, वाह। आजकल तो रास्ता भी साफ हो गया यार, पहले जब आए थे तब बेकार था यार रास्ता। ये देखो इधर पानी यही मिल जाता है, शुद्ध पानी बहता हुआ, पानी लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सामान पहुंच गया है, चूल्हे भी लगा रखे हैं, इससे पहले चूल्हे हम ही लोगों ने लगाए थे, है ना, अन्नू के बर्थडे में। वाह, अभी सब सामान निकाल ले बाहर पे, धूप वूप भी बढ़िया आ गई है और हम लोग पहुंच गए हैं जगह पे। आधे बंदे नहीं आए तब तक हम लोग लकड़ियाँ ढूंढते हैं, आग जलाने की तैयारी करते हैं, प्याज टमाटर जितना भी है काट कूट के रेडी करते हैं। तो लकड़ियाँ अभी हम जमा कर रहे हैं, लकड़ियाँ ज़्यादा दूर से भी नहीं लानी है, देखो इधर ही हैं लकड़ियाँ, काफ़ी लकड़ियाँ हैं यहाँ पे। ये देखो यहाँ से निकालते हैं इसको, छोटी छोटी लकड़ियाँ हैं ये, इनको थोड़ा धूप में डाल देते ना यहाँ पे अपन, थोड़ा ना, नहीं ये नहीं हुई है। तो इधर ही काफ़ी लकड़ियाँ हैं, हम निकालते हैं इसे तोड़ते हैं, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत भी नहीं है। ये 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 ओ पहुँच गया, मोटा होने का यही है रे भतीजा, ये मिल गई लकड़ियाँ। ये देखिए दोस्तों पहाड़ी फ्रिज, हमने स्प्राइट को डाल रखा है इसमें ठंडा करने के लिए, बिल्कुल ठंडा हो जाएगा आधे घंटे में। ये देखो पहाड़ी फ्रिज, तो हम लोग ऐसे ही डालते हैं, उसके अंदर डाल देंगे तो गर्म नहीं होगा, अभी खाना खाते वक्त निकालेंगे तो बिल्कुल फ्रिज का जो है ठंडा हो जाता है। तो हमारा पहाड़ी टोटका है। तो प्याज कट चुका है, थोड़ा थोड़ा काट रहे हैं और डाल रहे हैं डिक्की में। ओ तो अभी आ रहा है बहुत ज़्यादा, बर्थडे बॉय को बिल्कुल काम में लगा रखा है आज।
बर्थडे बॉय को रेस्क्यू नहीं मिल पा रहे। हाँ, और सब लोग बोल रहे कि खाएगा तब जब उस नदी में नहाएगा ये। बिल्कुल। तो अभी हो रही है सामग्री तैयार, प्याज काट दिया है, इसमें खीरा वीरा टमाटर नहीं काटा है अभी, इसमें भाई बना रहा है चिकन, ग्रेवी हो रही है तैयार। हमारे गांव के उभरते सितारे रोहित रजवार, हेलो, ये भी पहुंच गए हैं, चाकू लेके आए हैं। वाह, चाकू एक ही तो ये लेके आ गए हैं भाई। हमारा पबजी में भी हंसते हैं, उसे पता ही नहीं है कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। तो अभी काट रहे हैं हम लोग टमाटर, प्याज डाल दिया है, बस कट के होने वाला है तैयार, और बर्तन में प्याज भी लगभग तैयार हो गया है। उसके बाद टमाटर पड़ेगा इसमें। सैफ साहब हमारे जब भी हम यहाँ आते हैं यही सैफ साहब बनाते हैं, तो अभी तैयारी हो रही है। सैफ साहब, सैफ साहब ने नाम नहीं बताया अपना। हाँ सैफ साहब, इंस्टाग्राम आईडी बता दी। हाँ इंस्टाग्राम आईडी बता दिया है, संपर्क करें हमसे पार्टी आर्टी। तो अब हो रही है पनीर की कटिंग, क्योंकि कुछ लोग पनीर खाने वाले हैं और कुछ है चिकन खाने वाले, तो हमारे भाई साहब पनीर काट रहे हैं अभी। हेलो, जाओ गाइस खाओगे। बिल्कुल, टमाटर पड़ चुका है प्याज के ब्राउन होने के बाद, अभी बनेगी बढ़िया वाली ग्रेवी। दोनों की ग्रेवी एक ही साथ बना रहे हैं, पनीर और चिकन की। तो चिकन भी डाल दिया है, ग्रेवी हो गई थी तैयार। सैफ साहब बढ़िया करके चिकन को अड़ियाल रहे हैं, और बढ़िया वाली आग भी लग चुकी है जो इसमें बन रहा है चिकन, और वह है ग्रेवी पनीर के लिए। इसमें डाल दिया हमने पनीर, और इसमें तैयार हो रहा है चिकन, और उसके बाद फिर चावल बनाएंगे। तो पनीर बन के हो गया है तैयार, और अभी चिकन बनी रहा है, और दूसरे वाले चूल्हे में चढ़ा रखे हमने चावल। तो खाने की हो गई तैयारी, खाने लग गए सब लोग बिल्कुल मजे से। हेलो गाइस, क्या हाल है हमारे? बढ़िया। तो अभी सब लोग खाना खा रहे हैं, बढ़िया करके देखो, शानदार व्यू। खाना वाना खाते हैं, उसके बाद चलते हैं घर की तरफ।